नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। लॉकडाउन के बाद 25 मार्च से बंद पड़ी बसें अब पूरी क्षमता के साथ फिर से संचालित होंगी। शिवराज सिंह चौहान ने 38,000 बस ऑपरेटरों के 121 करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं, लेकिन बस ऑपरेटर अभी भी सरकार के इस निर्णय से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उनका मानना है कि लॉकडाउन के दौरान बसों का संचालन न होने से उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। एक ओर जहां उनकी बसें नहीं चली, वहीं दूसरी ओर उन्हें खड़ी बसों के बीमा की किस्त देनी पड़ी है। इसलिए सरकार को अगले 5 माह तक वाहनों को टैक्स से फ्री रखा जाए। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इन बस ऑपरेटरों की मांग को मानती है कि नहीं। हालांकि प्राइम रूट ऑपरेटर बस एसोसिएशन ने अपने पूर्व के निर्धारित आंदोलन को स्थगित कर दिया है। प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन ने 7 सितंबर से सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी के बाद सरकार ने 38,000 बसों का 121 करोड़ रुपए टैक्स माफ कर दिया है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अब हम आपको सीधे सतना बस स्टैंड लेकर चलेंगे और वहां पैसेंजर से बात करेंगे। शिवा सतना से बिरसिंहपुर के लिए रवाना होने वाली है और हम पैसेंजर से बात करेंगे यहाँ पर। आइए आपको बस के अंदर लेके चलते हैं। देखिए, ये बस लगभग 80% भरी हुई है पैसेंजरों से। यहाँ पर कुछ पैसेंजर, हम उनसे बात करेंगे। भैया, आपका नाम? जगदीश प्रसाद साकेत। कहाँ जा रहे हैं? बिरसिंहपुर। पहले सतना से बिरसिंहपुर का किराया कितना होता था? पहले 40 रुपये होता था, अब कितना होता है? अभी 50 रुपये हो गया, 10 रुपये किराए में वृद्धि हो गई। चलिए अभी और पैसेंजर से हम बात करते हैं। आपका नाम? मालती चौरसिया। कहाँ जा रही हैं आप? भीमसेनपुर। किराए में वृद्धि हुई है पहले से? और हाँ, 5 रुपये ज़्यादा लग रहा है पहले से। जी जी। चलिए, आप देख सकते हैं कि जो पैसेंजरों का कहना है कि पहले से 20% किराया में वृद्धि की गई है, जबकि बस ऑपरेटर का ये कहना है कि मैंने कोई वृद्धि नहीं की है। मैं अपने कैमरामैन कहूँगा कि एक बार दिखाएं वो विजुअल कैसे पैसेंजर अब बैठे हुए हैं। हालांकि एसोसिएशन द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि पूरी क्षमता से बस को संचालित करना है, लेकिन बस ऑपरेटरों का पूरा प्रयास है कि वो पूरी से पूरी क्षमता के साथ पैसेंजरों को लेकर अपने अपने रूट पर रवाना हों। यहाँ पर एक पैसेंजर बैठी हुई हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ जा रही हैं और कि बस का इंतज़ार कर रही हैं या किसी और का इंतज़ार कर रही हैं। आपका क्या नाम है? आरती त्रिपाठी। अच्छा, आप यहाँ कैसे अकेले बैठी हैं? क्या बस का वेट कर रही हूँ, मुझे टाइमिंग पता नहीं था। बस मेरी 5:30 की है और मैं पहले से आ गई हूँ। अच्छा, तो कितने मिनट बाद आपकी बस आने वाली है? अभी 1 घंटा से ज़्यादा। कितने महीने बाद आप बस में सफ़र करने जा रही हैं? 4-5 महीने। 4-5 महीने बाद। आप कौन है भैया? मैं बस ऑपरेटर कल्पू तिवारी हूँ। अच्छा। जी कल्पू तिवारी जी, आप ये बताइए कि सरकार ने जो आदेश जारी किया है जी। कि अब पूरी क्षमता के साथ बसें को संचालन किया जाए जी। तो क्या आप लोग सरकार के आदेश से संतुष्ट हैं? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। यात्री जो हैं तो अपने मास्क पर रहें, बस पे बैठें तो मास्क लगा कर बैठें, और हम साथ में ये मतलब टेम्परेचर मशीन भी लिए हैं। तो लोगों को, यात्रियों को, हम पहले तो कंडक्टर से हम हुए व्यक्ति का स्वयं तो हम चेक करके उनको कि अगर अपन को 100 से पहले के वाले हैं उन टेम्परेचर है तो उनको हम यात्रियों को बैठाएं। तो आप सुचारू रूप से स्क्रीनिंग कर रहे हैं। आप लोगों ने किराया भी बढ़ाया है क्योंकि डीजल के दाम बढ़ चुके हैं? अभी तो कुछ नहीं बढ़ा है, लोगों को उतना ही देने में प्रॉब्लम हो रही है कि भैया हम कहाँ से दें। क्या आज पूरी क्षमता के साथ बस का संचालन होगा आपका? अभी तो कोई निश्चित नहीं किया जाता है, प्लस संभवतः अगर टैक्स माफ़ हो गया है तो शायद आगामी मंडे से
कुछ ऑपरेटर संचालन करना शुरू कर दें जो अभी बसें। क्या आप लोगों को एसोसिएशन का भी इंतजार करना पड़ता है कि एसोसिएशन निर्णय लेगा कि पूरी क्षमता के साथ बस जाएगी कि नहीं जाएगी, कि आप लोग स्वयं निर्णय ले लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, एसोसिएशन से भी हम। आपकी कितनी बसें संचालित हो रही हैं? मैं तो एक ही बस है, एक आध गाड़ियाँ मैंने निकाल दिया है और एक ही बस का ऑपरेटर हूँ। आपका नाम? रज्जू त्रिपाठी, आशीष त्रिपाठी। अच्छा, आप कंडक्टर हैं इस गाड़ी? जी। अच्छा, ये बताइए कि आज से क्या पूरी क्षमता के साथ बस चलने लगी? नहीं चलती है आज से अभी। अच्छा, क्यों? अभी कितने पैसेंजर आप लेके जा रहे हैं एक बस में? पैसेंजर होगा, सीट बाई सीटें तक नहीं होती हैं, सवारियाँ नहीं निकलती हैं। मतलब अभी क्या आप लोगों के, आपके जो मालिक हैं, उन्होंने निर्देशित किया है कि पूरी क्षमता के साथ बस लेके जाओ आप? मालिक तो अभी बोले नहीं पूरी क्षमता के साथ गाड़ियाँ लेके जाओ, पर सवारी नहीं मिलती यहाँ है। क्या आपने किराया बढ़ाया है अभी? किराया वही चल रहा है जो पुराना था, जो पहले चल रहा था, पहले चल रहा था वही किराया। भैया आपका नाम? राजा चौहान, चौहान ट्रेवल सतना। कितनी बसें आपकी संचालित होती हैं? 13 बसें हैं, लेकिन अभी दो ही संचालित हो पाई। सरकार ने आप लोगों का टैक्स, वाहन टैक्स माफ़ कर दिया है, आप कितने संतुष्ट हैं? भाई इसमें तो अपने को थोड़ा सा वो राहत दी गई है, लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ तो दिए हैं। अभी हम लोगों की लड़ाई में जो आया है तो ठीक है, कुछ ना कुछ राहत है, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हम लोग। क्या अब आप लोग पूरी क्षमता के साथ बसों का संचालन करेंगे? पूरी क्षमता के साथ तो अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई सवारी ही नहीं निकल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे एक आध महीने बाद तो हो जाएंगी। फिर आप लोगों ने क्या पैसेंजर से किराया में वृद्धि भी की है, या सरकार से आप लोग क्या और क्या चाहते हैं? नहीं, हम लोग सरकार से किराए में वृद्धि चाहते हैं, अभी हम लोग यात्रियों से किराए में वृद्धि नहीं किए हैं। पिछले 5 महीने तक वो बसें पूरी तरह बंद हो रही हैं, आपके पास 13 बसें हैं, क्या आप 13 की 13 बसें आप संचालित कर चुके हैं? भाई 13 की बसें, केवल 2 बसें अभी संचालित हैं, उनका फिटनेस ख़त्म हो गई है, इंश्योरेंस ख़त्म हो गया, जब तक उसमें फिटनेस नहीं होगी, इंश्योरेंस होंगे, रोड पे तो ला ही नहीं सकते हैं ना। आपका लॉकडाउन के दौरान लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? लॉकडाउन के दौरान 5 महीने में समथिंग मान के चलिए कि 20 लाख के आसपास तो हुए होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब बात करने के लिए। ये थे बस ऑपरेटर चौहान साहब, जिन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बसों का संचालन ना होने से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, और सरकार ने जो ये अभी निर्णय लिया है वो नाकाफ़ी है। अभी वो चाहते हैं कि सरकार किराया में वृद्धि करे, और भी उनकी कई मांगे हैं।